अपन गुरुमा तक चलेंगे तब तक आ जाएंगे। बोलिए समस्त जैन धर्म की जय। वो अपने शांति का संदेश देता है, सफेद कलर जो है वो प्रेम का अपने संदेश देता है, और केसरी कलर है वो अपने सुरवीरता का संदेश देता है। अपने अपन भी अरियंता सिद्ध वो अपने शांति का जो प्रतीक है कि भी एकदम उन्होंने अपने कर्मों से करके चार घाती कर्मों से किया, सिद्ध भगवान ने आठ कर्मों से करके जो अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति करके सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त किया वे थे आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु जी, वो भी अपनी साधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने जीवन में ऐसे जो सुरवीरता के साथ अपने जैन समाज में सुरवीरता के साथ अपनी आराधना साधना में अपन लगे हुए हैं, अपन सब व्यापार करने लगे इसके बनिया कहने लगे, पर लेकिन अपन सब कौन है? क्षत्रिय है। अपने अंतर में रगे रग में अपने क्षत्रिय तेज भरा हुआ है, जिस कारण से इस धर्म का पालन कर सकते हैं। जो क्षत्रिय नहीं होता, अपना क्षत्रिय तेज नहीं होता अपने में, तो ये जैन धर्म का पालन करना मुश्किल है, क्योंकि इतना सूक्ष्म और कष्टदायक ऐसा धर्म का पालन करना और मुनि प्रणा का जो पालन करना बहुत तो मुश्किल की बात है। अपने जीवन में भी और अपने समाज अपन अपने एक प्रकार के क्षत्रिय है और अपने सुरवीरता भरी हुई है, जिस कारण से अपन ये जैन धर्म का पालन जो कर रहे हैं। और उसके बीच में रहा हुआ जो अशोक, मतलब शोक बोले तो भूतकाल को अपन याद करते रहते, दुख की घटना जो बनी हो, मेरी देरानी ने ऐसा किया था, मेरी जेठानी ने ऐसा किया था, मेरी पत्नी ने ऐसा किया था, पति ने ऐसा किया था, लड़के ने ऐसा किया था, ऐसी बातों को याद कर करके अपन दुखी होते हैं और चिंता मेरा क्या हो जाएगा, बेटा बहुत सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कल आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा मृत्यु तो नहीं होगा, कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, ऐसी चिंता करते रहते हैं। तो अशोक चक्र जो है वो अपने को वही संदेश देता है, शोक और चिंता को छोड़ के वर्तमान के जीने में क्या जीने का आनंद मानो। क्या करने का है? भूतकाल को याद नहीं करना, शोक नहीं करना, और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने का संदेश अपने जो देता है। इतने प्रकार की वर्तमान की साधना आराधना में अपने लगने का है। पर्वाधिराज परिसर नजदीक आ रहा है, अपन सुरवीरता के साथ पर्वाधिराज परिसर में ज्यादा से ज्यादा आराधना साधना में अपने लगने का है। तपस्या विग्रह करना, नाम दर्शन चारिता सबकी आराधना साधना में लगना है। आचार्य भगवंत ने हस्तलिपि भक्तामर स्तोत्र का जो अभियान चलाया हुआ है, हमारे गुरुदेव आचार्य